different bobs here. You can see behind me. And all the tents here are full of water. Every second person is getting drenched, but the spirits are warm and high. There are women from women's organizations who have come here after the Sarasvati Pune's birthday today, and they have come here to show their participation and solidarity with the farmers. हम अगर उठे नहीं तो कैंपेन के तहत एक पूरा नेशनल कॉल हमने दिया है जिसमें 1500 के ऊपर धरने डेमोस्ट्रेशन हो रहे हैं किसानों के पक्ष में, और दिन में पूरा ऑनलाइन कैंपेन चल रहा है, और दिल्ली में जो पांचों बॉर्डर पे जहां किसान बैठे हैं वहां महिला जत्थे पहुंच रहे हैं। बारिश की वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई है, कुछ पहुँच रही हैं महिलाएँ, कुछ और पहुँचेंगी, लेकिन पाँचों जत्थों पाँचों बॉर्डर पे महिलाएं पहुंच रही हैं अपना समर्थन देने के लिए, जो किसानों की लड़ाई है उसके लिए, और ये डिमांड करने के लिए कि जो तीनों लॉज हैं उनको फौरन रिपीट किया जाए। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला के रिपीट किया जाए इन लॉज। I'll go ahead and meet the farmers who are there in the other tents to show you the magnitude of this protest. There's water on my face. You can see the quilts here. The quilts have been kept. The carpets and quilts which have been kept here because they were all on the floor. But it's all rent. It's all wet. So there's no point of the carpets being here. And it's not all. It's raining, as you can see, it's lightning, it's a thunderstorm here. Right there, because there are people there around the Bukka, the community pipe. Let's go and speak to them. मैं गांव अटवाहा से हूँ, और यहाँ जब से धरना शुरू हुआ है हम तभी से बैठे हैं और यहाँ का पूरा बंदोबस्त देख रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान जो है साथी में नहीं है आंदोलन में, मैडम ये पूरे ये जो पड़े हैं इनमें ये तो आए से मध्य प्रदेश से, बाकी यहाँ जितना भी घूम रहा है वो पूरा इधर का ही है, लोकल आदमी है, हरियाणा का ही है पूरा, और 52 पालों का फैसला है, हर घर से आदमी है। पर आपके मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि सब ठीक है यहाँ पे। मुख्यमंत्री को तो किसानों के बारे में पता ही कुछ नहीं है। हमारी मांगे हैं पहले तो ये तीन कानून वापस हों, रद्द हों, और MSP पे कानून बने। पर कह रहे हैं MSP तो सब ठीक ठाक है। ठीक कहाँ है, ठीक तो धानों का ही है, 1868 रुपए था लेकिन बिका है 1200। किसानों के हित में नहीं है, हित में है होगी तब होगी जब सरकार हमें लिखित में MSP मूल दे दे, MSP का कानून बनाएगी, कानून बना दे कि भाई इतनी कम रकम में किसान का माल खरीदा नहीं जाएगा, वो सरकार लिख के दे। बाकी इस चीज से आप लोगों को नाराजगी है? नहीं, फिलहाल तो ये दो ही काम करने हैं, कानून रद्द करने और MSP पे नया कानून बना दे, जो उससे नीचे कोई खरीदे तो उसको सजा हो।
और आपको लगता है कि इसका अगर एमएसपी पे मान जाएगी सरकार, आपको लगता है? सरकार तो अभी तक तो किसी पे भी मानती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये तो किसानों की हिम्मत है कि अगर रुके रहेंगे और हर हालत में रुकेंगे तो चाहे 6 महीने हो जाए, साल भर हो जाए। अच्छा, तो अगर समझिए कि नहीं मानी सरकार तो आप लोग क्या करेंगे? तो हम बैठे हैं और 26 जनवरी को दिल्ली चलेंगे। हम हटेंगे नहीं जी, कुछ भी अभी तो मैं ही परे हम बिल्कुल रेड के बैठे हैं, हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। 26 जनवरी पे किसान का झंडा लहराएगा दिल्ली। तो ये जवाहर जी, ये बताइए कि क्या जरूरत पड़ी आपको इस ठंड में आने की यहाँ पे? जरूरत हमारे भाई आए और भाई के साथ में हम भी आएंगे, क्यों मिलजुल के काम करते हैं खेती बाड़ी का, तो अपने भाई के साथ आए। अच्छा, कभी पहले आंदोलन से जुड़े हैं, किसी और आंदोलन से जुड़े हैं कभी? अरे आंदोलन तो बार बार जुड़े, हम तो सत्याग्रह में भी रहे, सब रहे हैं हम तो, जैसे कभी कोई बिरादरी का काम पड़े उसी में सहयोग रहते। अच्छा, और ये इतने ट्रक में, मतलब सर्दी में, ऊपर बारिश हो रही है, ठंड में घर छोड़ के आना कैसा लग रहा है आपको? मतलब 81 साल की उम्र है आपकी। हमारी जिद है कि हम अपना हक लेके हटेंगे, लेके रहेंगे अपना हक। जो सरकार की बगावत है ना, हमको जो गरीब करा गया है, ये नहीं मानेंगे हम। हम अपना हक लेंगे और इसी तरह से हम अपने बहन के गैल हैं। देखे कैसा है यहाँ पे, ठंड नहीं लग रही आपको यहाँ पे? ठंड लगेगी भी तो कोई जरूरत थोड़ी है कि बस ठंडी भी लगे। हमारे सारे मंजिलों का इंतजार है, ये नालियों, ये बिजलियों।